हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का हो हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से मेरे स्वागत करती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, स्वागत करती हूँ आपके अपने इस नए ब्लॉग में। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी दिवाली एक बार फिर से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 बज रहे हैं, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अब ब्लॉग मैंने अभी बनाना स्टार्ट किया है। तो बस ऑल अबाउट अभी यही चीज़ें हैं बस। तो बस अभी इस वक्त वही तैयारी वगैरह शुरू हो गई है पूजा की, शाम की पूजा की, और बस ये सब मैं कर रही हूँ। रंगोली भी बनाना है तो, और फिर शाम का खाना भी बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब लोग मिल के करेंगे। मैं आपको तब तक थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो बस अभी मैं थोड़ी देर पहले मार्केट गई थी तो वहाँ से ये मैंने सारे सामान, ये फूल हो गए करा गई। मम्मी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मम्मी कहाँ जा रही हैं? आम के पल लग रहा है। तो दोस्तों हमने पूजा की तैयारी, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। मम्मी का डंडा देखे भी मुझे लग जाता मम्मी। तो मम्मी जा रही हैं आम का पल्लव तोड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। और अभी टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है अभी, वही तकरीबन 4 बज रहा होगा। और ये देखिए, ये प्लेस हमने पूरा एकदम खाली कर लिया है, यहीं पे हम लोग रंगोली बनाएंगे। और ये देखिए, मम्मी आम का पल्लव तोड़ के ले आई। मम्मी हम तब से यहाँ खड़े थे, किया हमारे को पकड़ कर लोग चल जाए रंगोली के इंतजाम के लिए सर जा हले। हाथ साफ छो कि जूठा छो? नहीं साफ है यार, पकड़ ले ठीक से ला। हेलो, देख ले भगवान के अथी में रह गई दी। देखिए गणपति जी को चढ़ता है दूध, उसके लिए मम्मी हम बाएं हाथ से लिए हैं। हम कर रहे हैं, मेरे हाथ में क्लेचर है, फोन है, क्या करें, हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। गेटवा ए गेटवा। और ये देखिए दोस्तों, पापा सो रहे हैं। दिवाली वाले दिन ना दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि पापा वापा लोग एकदम फ्री रहते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट क्या मतलब, और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है पूजा का। ये देखिए, ये मैंने मंदिर सजा लिया है, ये मैं अभी बाहर गई थी तो मैं वहाँ से ये लेकर आ गई थी माला, तो ये मैंने लगा लिया है। और ये मंदिर देखिए, आप एक बार आप लोग देख लीजिए, लाइट वगैरह इसमें सब लगा हुआ है। और ये है तो सबसे पहले ये देखिए, हम लोग में ना अर्पण अरिपन जो है बनाया जाता है अल्पना। तो ये चूँकि वाइट टाइल्स है इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा है, तो मैंने ये देखिए अष्टदल बनाया है। और ये देखिए, इसको हम लोग पिठार बोलते हैं। और यहाँ कलश है तो मैं सबसे पहले ये कर लेती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, ये मैंने आरती की थाली निकाल ली है। तो ऑल अबाउट पूजा की सारी तैयारी जो है हमने स्टार्ट कर दी है। तो मैं जल्दी से पहले इसका कलश तैयार कर लेती हूँ, सब कुछ अच्छे से सजा वजा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और अब ये जो दीपक है इसमें मैं तेल भर लेती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरे सारे दीपक में मैंने तेल और दीपाती वगैरह जला लिए हैं। अब जब हम इसको जलाने जाएंगे तो इसको अच्छी तरीके से इसकी बाती को अरेंज कर लेंगे। तो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ का सारा काम हो गया। ये देखिए, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। और ये कुछ फूल मैंने बचा लिए हैं, इसको मैं टेबल पे सजाऊंगी, तो ये बाद में करेंगे, शाम में करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मम्मी बस रंगोली बना रही है। तुम्हारा साइकिल ब्लॉग बना है? नहीं। क्या बना है? इसका साइकिल ब्लॉग बना है। सुगु सुगु पूरे रिकॉर्ड हो गया, डुगु गिर गया। और यहाँ देखिए, डुगु गिर गया, सॉरी डुगु गिर गया।
और अब यहाँ थोड़ा सा गंदा हो गया है, कुछ काम करिए तो थोड़ा गंदा हो जाता है ना, तो मैं इसके घर पूछ लूँ। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट सारा काम अब हो चुका है। और अब इसके बाद देखिए किचन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए किचन में ये मटर जो है वो उबल के रखे हैं। अब की बार हमने प्लान किया है कि छोला बनाएंगे, हर साल तो वही पनीर पूरी ये सब बनता था, बट अब की बार हमने सोचा कि चलो छोला भटूरे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भटूरा सान के, मतलब भटूरा के लिए आटा जो है वो मैदा का जो आटा होता है दही मिला के, वो सब सन के रखा हुआ है। और ये हमारा जो है बन गया अपना छोला, इसको हम छोला बनाएंगे अभी। और ये देखिए खीर जो है वो ऑलरेडी मम्मी ने बना लिया है, तो खीर बन के रेडी है। तो हमारा खीर बन चुका है और यहाँ पे भटूरा का आटा सन चुका है और ये छोला है। तो बस अब बस इसके लिए अब इसकी मैं जिसको मैं बना ले रही हूँ छोला। ये देखिए मैंने प्याज जो है छोले के लिए काट लिए हैं, अदरक यहाँ पे पीस लिया है, तो अब मैं छोले बनाने जा रही हूँ। ये जो चावल है इसको धो लेते हैं, सोच रहे कि थोड़ा सा मैं पुलाव बना लूं। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये छोला बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों छोला आई थिंक बस एक सीटी और लगनी है, तो छोला बन ही रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सबके लिए चाय रख दी है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा कि सब लोग चाय पी लेंगे। और ये देखिए चाय के लिए अदरक बिल्कुल घिस के रख दिया क्योंकि बिना अदरक के चाय तो मैं पीती नहीं। और बस, और ये जो चावल हैं ये भी धुल के रखे हुए हैं, तो जैसे ही ये छोला बन जाता है फिर इसी कुकर में जो है हम ये चावल भी बना लेंगे, पुलाव बना लेंगे। ये देखिए ये छोले मेरे बनके जो है एकदम रेडी हो चुके हैं। खुशी टेस्ट कर रही है तो खुशी टेस्ट करके बताएगी कि खुशी कैसा बनाया, बताओ। बहुत टेस्टी है, एकदम भटूरा टाइप वाला छोला है। इसको मैं बंद कर देती हूँ और जल्दी से पुलाव बना लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। ये मैंने लास्ट चावल जो है चढ़ा दिए हैं, बस थोड़ी देर में बस सीटी आने वाली है। और यहाँ मैं मैंने अपने लिए देखिए रही यार, ये देखिए पूरा गंदा हो गया, अभी साफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ मैं अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि आजकल खाना पीना कुछ ज़्यादा ही अल्टर हो जा रहा है, तो बस ये गर्म पानी पी लेती हूँ नींबू के साथ और फिर बस। तो अभी मेरा गर्म पानी, इसको मैं पी लेती हूँ। कि दोस्तों हम लोग में ये पैर बनाया जाता है, तो चूँकि वाइट टाइल्स है उस पर क्लियर दिख नहीं रहा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ये देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर नीचे से, ये पूरा जो है आपका यहाँ से लेकर वो पूरा यहाँ तक जाएगा बाहर तक। यहाँ मैंने कुछ फूल वगैरह ले लिए हैं टेबल सजाने के लिए, कैंडल है, फूल है, तो मैं इसको जल्दी से सजा लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये मैंने एकदम अच्छे से सजा लिया है। मम्मी मैंने तो सब कर दिया था ना, आप क्या कर रहे हो? पान सुपारी भगवान ने। तो यहाँ देखिए मम्मी अपना लास्ट से लास्ट वाला अपना कर रही है। हाँ, और ये देखिए दोस्तों अब की बार मैं मम्मी के लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ दिवाली के लिए। तो मैंने मम्मी से कहा है कि आज आप यही पहने, तो मम्मी जो है यही पहनने वाली है साड़ी। ये वाली मुझे पसंद आई थी इसका कलर, और मम्मी के पास एक्चुअली इस टाइप का कलर नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं, वैसे भी त्यौहार में लाल पीला अच्छा लगता है। ये यहाँ पे ये मैंने इस वाले टेबल पे भी बना लिया है रंगोली, और ये निकाल लिया है। सोच रहे हैं हम लोग कि सोफ़ा कवर जो है वो चेंज कर दें, थोड़ा अच्छा लगेगा बाहर। और चलिए आप लोगों को रंगोली दिखा देते हैं। तो ये देखिए
ये रंगोली है, ये रंगोली हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। और एक छोटा सा व्यू इसका दिखा देती हूँ आप लोग को, ये देखिए ये सब पेड़ पौधे में लाइट्स वगैरह हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम सब तैयार हो चुके हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने ये पिंक कलर का सूट पहना है और मम्मी भी तैयार हो चुकी हैं। तो मुझे मम्मी आती है तो आप लोगों को मम्मी से मिलवाते हैं। तो ये देखिए मम्मी से, मम्मी सबको हाय बोल दो। हाय दोस्तों, हैप्पी दिवाली। और ये देखिए साड़ी वही है, मम्मी आपको साड़ी पसंद आया? हाँ, बहुत सुंदर दिवाली की हार्दिक शुभकामना सबको। अभी जाने तो बहुत। मम्मी क्या कर रही हैं अभी? भगवान भगवती को घर बाहर कर रहे हैं। अंधा लक्ष्मी घर आओ, दरिद्रा बाहर जाओ। पापा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो यहाँ दोस्तों हमारा दिवाली का पूजा स्टार्ट हो गया, मम्मी पूजा करना स्टार्ट कर दी है। पानी चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, भोग लगे संग कर सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देव। हमारी घर में पूजा होने के बाद हम यहाँ चाची के घर आए हैं प्रसाद लेकर और दिवाली की शुभकामनाएं देने। और ये देखिए चाची की रंगोली है ऊपर। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने यही सोफे के पास डिज़ाइन बनाया था और ये डाइनिंग टेबल पे बनाया था। और यहाँ देखिए चाची आ रही हैं नीचे से प्रसाद लेकर। चाची के यहाँ पे पूजा हो गई, जैसे हम लोग चाची के घर गए थे वैसे चाची भी यहाँ नीचे आई थी प्रणाम करने के लिए। और अब बस अब इसके बाद हम सब बाहर जाके पटाखे वगैरह थोड़ा सा जलाएंगे। बैठिए जी, बैठिए। जैसा कि आपने देखा फोटो खिंचा रहे हैं। ये देखिए सुगु एकदम पटाखा जलाने के लिए परेशान था और हम सब लोग बिल्कुल पटाखे जला रहे हैं। मम्मी पापा चाची सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, सब अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे, आप देख ही रहे होंगे।
ये हमारे घर का एक छोटा सा डेकोरेशन है, कैसा लगा आपको बताइएगा मुझे कमेंट करके। चलिए चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे पटाखे वगैरह जलाने के बाद अब एक बार हम लोगों ने सोचा कि चलो कॉलोनी घूम लेते हैं। तो ये हमारी पूरी कॉलोनी सजी हुई थी, सबके घर सजे हुए थे। तो अब घूमने के बाद अब वापस सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे। तो बस यही था हमारा आज का फेस्टिवल। और यहाँ देखिए दोस्तों खाने में जैसे कि छोले वगैरह बना लिए थे, अभी भटूरे बन रहे हैं। और खाने में आज अभी हमारे सूखी सब्जी, छोले, भटूरे, खीर और मिठाई वगैरह जो था, तो ये सब हमारा खाना था। और खाने के बाद बस मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और बस खाने के बाद फिर हम सब सो गए थे, सब थके हुए थे तो बस सो गए थे। तो अगर आज का वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली।